Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही important topic relating to Paper 1 that is Teaching Aptitude. So, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि Teaching Aptitude एक बहुत ही easy और simple topic है Paper 1 का, जिसमें अगर आपको basic understanding है कि what should be a behavior of a teacher या एक teacher को किस तरीके से act करना चाहिए well in a class या फिर क्या qualities हैं जो एक teacher को show करनी चाहिए या represent करनी चाहिए या इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जो teaching से related हैं, जो आपके behavior से related हैं, अगर आपको इसकी basic understanding है, conceptual clarity है, तो आप बहुत आसानी से इन particular topics से related questions को attempt कर पाएंगे. सो आज हम इससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, एम ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा. सो इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए आई कार्ड लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें. अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं. सो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. सो हमने बहुत बार सुना है कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, टीचिंग से ये पर्पस हासिल होता है, बट हमें कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई. सो आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के या हम क्यों टीचिंग करते हैं. सो पहला ऑब्जेक्टिव है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल. सो जो एक टीचर का रोल होता है या फिर एक जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दे, आपको सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को डिपार्ट कर दे. रैदर उसका इंपॉर्टेंट एम ये होता है कि वो आपके अंदर डिजायर्ड चेंजेस ला सके. जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब आप एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं चीज़ों के बारे में, तो आपका जो सोचने का तरीका होता है, आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, वो काफ़ी तरह से बदल जाता है और आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एम होता है एक टीचर का, या फिर कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपके स्टूडेंट्स में चेंजेस आए, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए और उनके सोचने का नज़रिया बदले. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज प्रॉपरली. तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आप चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल जाता है, जब आप चीज़ों को बहुत ही 360 डिग्री अप्रोच से सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप चीज़ों की रियलिटीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं. फॉर इंस्टेंस, जब हम टीनेज होते हैं तो हमारी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से होती है. हम बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन के बारे में नहीं सोचते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हमारा एग्ज़ाम है, उस टाइम पे भी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हमें उस टाइम पे अपना जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे डिवोट करना चाहिए और बाकी इंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना ज़रूरी है उतना इंटरटेनमेंट तो करना चाहिए, बट अगर आपके बिल्कुल एग्ज़ाम पास हैं तो आपको कई बार ये समझ नहीं होती है कि आपको अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. तो इसीलिए जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे जैसे आपको टीचिंग मिलती है, आपको चीज़ें समझ में आती है, वैसे आपको समझ में आता है कि आप जो भी रियलिटी है लाइफ की, जो भी चीज़ें हैं, उसको बेटर ढंग से समझ पाते हैं. आगे देखते हैं, इट एम्स एट शेपिंग द बिहेवियर एज वेल एज कंडक्ट. अब यहाँ पे एम सिर्फ ये नहीं होता कि आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, बट क्या वो पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्या आपने बेसिक मॉरल वैल्यूज, मॉनर्स, मैनर्स, इन सारी चीज़ों को समझा है, इन सारी चीज़ों को अडैप्ट किया है अपनी लाइफस्टाइल में. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का. नेक्स्ट, इट एम्स एट बिल्डिंग नॉलेज. अब ये जो एस्पेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का, ये आप कह सकते हैं कि इसका एम ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके. बिकॉज अल्टीमेटली जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. आपको कोई ना कोई करियर चूज करना पड़ता है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, विदर इट बी फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, कोई भी फील्ड हो. तो इसलिए नॉलेज का होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है कि आपको किसी डिजायर्ड सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स. अब आज जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारा सारा का सारा फोकस मार्क्स लाने पे होता है या फिर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने पे होता है, बट कहीं ना कहीं हम रियलाइज़ नहीं करते कि इसके साथ साथ हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं. और ये लर्निंग एबिलिटीज़ अगर हमें आज काम नहीं आती हैं या फिर आज फिर भी हमें ना दिख रही हो कि हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, बट एनीवेज कल को अगर हमने ये लर्निंग एबिलिटी सीखी है, हमारे लर्निंग में इन्हांसमेंट हुई है, तो कल जब हम कभी भी जॉब करेंगे या उससे रिलेटेड जब भी कुछ किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, तो उसमें जब भी हमें कोई नया काम सिखाया जाएगा, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स और वेदर इट बी इन टर्म्स सम अदर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स, किसी टाइप की भी स्किल्स कह लीजिए, तो वो हम बहुत ही जल्दी लर्न कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी अडाप्ट कर पाएंगे. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको लर्निंग स्किल्स सिखाई जाए.
आगे चलते हैं. इट बिल्ड्स द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट. जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि एक क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करनी होती है, बिकॉज जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो नई नई सिचुएशंस को फेस करते हैं जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है. तो अगर उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, अगर वो खुद की रैशनल डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एम होता है एक टीचर का भी, और एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो आपके अंदर एक थिंकिंग पावर जनरेट करे, ताकि सिर्फ आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, रैदर रैशनली चीजों को समझ के प्रॉन्स एंड कॉन्स देख के खुद के डिसीजन भी ले पाए. नेक्स्ट देखते हैं, इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू एक्सपीरियंस एंड आइडियाज एंड मे ऑल्सो हेल्प इन परफॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिव टास्क. अब कई बार आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं जो टीचिंग के अंदर वो जॉब ओरिएंटेड भी होती हैं, ताकि आप आगे जाके कुछ कंस्ट्रक्टिव टास्क कर सकें और उसके बेसिस पे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकें. जैसे कि आपने कई बार सुना होगा वोकेशनल स्किल्स के बारे में या फिर वोकेशनल लर्निंग्स के बारे में, कि जो वोकेशनल लर्निंग्स होती हैं उनका एम ये होता है कि आप जैसे ही स्कूल से निकलें या आप कॉलेज से निकलें आप कुछ जॉब्स कर सकें. फॉर एग्जांपल द जॉब ऑफ एन इलेक्ट्रीशियंस. तो अगर आपने टेक्निकल स्किल्स सीखी हुई हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क सीखा हुआ है, तो आप बहुत आसानी से इन टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं. लास्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर. इट मेक्स एवरीवन अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी. अब अल्टीमेटली जो लाइफ का एम है वो अपने इंप्रूवमेंट के साथ साथ, अपने प्रोग्रेशन के साथ साथ ये भी है कि आप सोसाइटी में एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सके एज एन एफिशिएंट मेंबर. तो जब भी आप एज अ टीचिंग अप्रोच कर रहे हैं या एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज इनकलकेट करें कि वो अपने भले के साथ साथ सोसाइटी में भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सके. तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर. कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता होगा जब भी हम इस पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहते हैं टीचर के, कि क्या क्वालिटीज हैं या क्या ऐसे असेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक टीचर और एक स्टूडेंट की लाइफ में. तो सबसे पहले हम क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर देखते हैं. सो जो मोस्ट क्रूशियल क्वालिटी ऑफ अ टीचर होती है इज मास्टरी ओवर अ सब्जेक्ट. आज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बी इट फाइनेंस, बी इट मार्केटिंग, बी इट एचआर या फिर कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस, आपको उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. बिकॉज जब तक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तब तक जितना भी आप स्टूडेंट्स को समझा लें वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, वो चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. इसलिए जितनी ज़्यादा आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी उतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देके आप अपने स्टूडेंट्स को चीज़ों को समझा पाएंगे एंड वो भी उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर एक किसी टीचर के अंदर क्वालिटी सबसे पहले होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में भी वो इंटरेस्टेड है या जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्वालिटी है वो है अकाउंटेबल. आपने सुना होगा कि जब भी हम टीचर स्कूल में थे, स्कूल में बात करते थे और जब भी हमारे मार्क्स कम आते थे तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे टीचर्स को जाके बोलते थे कि सर देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इस स्टूडेंट के मार्क्स क्यों नहीं आए, चाहे आप उसे डांटिए या मारिए बट इसके मार्क्स आने चाहिए. बिकॉज टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये समझा जाता है कि टीचर इज द अल्टीमेट गुरु, ही इज द अल्टीमेट गॉड, और उसे ही अकाउंटेबल माना जाता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए. सो ये अकाउंटेबिलिटी का की क्वालिटी भी आपको होनी चाहिए. आपको खुद को लगना चाहिए कि मैं अकाउंटेबल हूँ, मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए मेरे हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए मैं जिम्मेदार हूँ. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहे. सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट, गुड टीचर हैज़ टू बी डेडिकेटेड एंड डिटरमिंड टू हिज वर्क. सो आपने कई बार सुना होगा, आपने कॉलेज में भी देखा होगा कि एक बार जब टीचर्स टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं तो उनकी डेडिकेशन में थोड़ी कमी आ जाती है. सी, लाइफ में पर्सनल इश्यूज सबके आते हैं, सबकी पर्सनल लाइफ चलती रहती है, बट एज अ टीचर आपका इतना इंपॉर्टेंट टास्क है और अदरवाइज भी आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपने टीचिंग को अपना एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर चुना है तो आप उस चीज़ की तरफ बिल्कुल डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड रहें. बिकॉज अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहते हैं तो स्टूडेंट सफर करते हैं. सो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आपको बिल्कुल डिटरमिंड और डेडिकेटेड से अपना काम करना चाहिए और स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वालिटी है, अ गुड टीचर हैज टू बी केयरिंग एंड कंपैशनेट. सो पुराने फ्रेजेस में कई बार ये कहा गया है कि अ टीचर इज लाइक अ सेकेंड पेरेंट टू द स्टूडेंट्स. और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि स्टूडेंट्स 6 से 8 घंटे अपना स्कूल एंड कॉलेजेस में बिताते हैं, सो कई बार वो पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें सफ़र कर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं जो वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते. सो अ स्टूडेंट हैज़ टू बी अ टीचर हैज़ टू बी वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स की नीड्स को समझ पाए और पूरी कोशिश करे कि उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सके. नेक्स्ट,
जो फीचर है या फिर इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है अ गुड टीचर हैज़ टू बी अडैप्टेबल एंड विलिंग टू चेंज। अब मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब एक टीचर एक स्टूडेंट से बात कर रहा होता है या काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, तो हर स्टूडेंट की जो चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनके लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर एक टीचर बहुत ज़्यादा रिजिड है, इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, और वो एक ही अप्रोच से पढ़ा रहा है, एक ही लेवल से पढ़ा रहा है, तो जो भी उसके क्लास में वीक स्टूडेंट्स हैं या फिर मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ने में या फिर समझने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए अगर टीचर अडैप्टेबल है, वो अलग अलग मेथड्स, नोवाइज मेथड्स, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू या फिर बेस्ड ऑन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का लेवल क्या है, उसके बेस पे अपने आप को अडैप्ट करता है और चेंज करके पढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसी क्लास में एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा बना रहेगा और उसके सारे स्टूडेंट्स उसकी चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो ये भी फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो फीचर है दैट अ टीचर शुड बी एम्पैथेटिक। इसका मतलब ये है कि कई बार आपको स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना पड़ता है। मे बी आपको कोई चीज़ बहुत आसान लग रही हो एज अ टीचर कि इसमें कौन सा बड़ा कंसेप्ट है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, बट हो सकता है कि उसका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बैकग्राउंड ना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्हें लगता है कि सर हमें पेपर वन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज LR। सो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और उसके बेसिस पे जितने ज़्यादा हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, उतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक टीचर में होती है वो है इंगेजिंग एंड इवॉल्विंग। सो इंगेजिंग से क्या मतलब है कि अगर मेरी क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, अगर मेरी क्लास बहुत ज़्यादा मोनोटनस होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर डिलीवर करूँगा, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगी हमारे बीच में, मैं किसी भी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, किसी भी ग्राफिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी क्लासरूम को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाएं, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बनाएं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट कर सकें और अपनी क्वेरीज को भी बहुत आसानी से पूछ सकें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर या फिर क्वालिटी एक टीचर में होती है वो होती है गुड टीचर इज़ वेरी ऑर्गेनाइज एंड पेशेंट। एक टीचिंग जॉब एक ऐसा जॉब है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंस होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ और ये मेरा ओपिनियन है। इसका रीज़न ये है कि जब आप एक क्लासरूम में 50-60 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज क्लास में हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर वहाँ पे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे नॉटी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो नई नई एक्टिविटीज़ करके आपको तंग करते हैं। सो अगर आप में पेशेंस लेवल हाई नहीं है तो आप अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं है तो आप गुस्से में आ जाएंगे और आप चीज़ों को गलत कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपकी पढ़ाने के तरीके में, अगर आपकी एक्टिविटीज़ में या फिर जो भी आप चीज़ों को क्लास में करा रहे हैं उसमें एक डिफाइंड सीक्वेंस नहीं होगा, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं होगा, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और स्टूडेंट्स चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ काइंड एंड ट्रस्टवर्दी। स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स, और वो ये उम्मीद करते हैं कि उसका टीचर जो है वो ट्रस्टवर्दी है, वो उस पर ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्टूडेंट्स आप पे ट्रस्ट करें, तभी वो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टीचर की। नेक्स्ट, अ टीचर हैज़ टू बी इंस्पिरेशनल। जब भी हम एक टीचर को देखते हैं, एक टीचर हमें इंस्पायर करना चाहिए। अगर हमारा टीचर हमें इंस्पायर करता है तो उसे देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आती है कि अगर एक्स पर्सन ने, एक्स हमारे टीचर ने इतना ज़्यादा हार्डवर्क करके आज कुछ भी अचीव किया है, तो हम भी उससे प्रेरणा लेके हार्डवर्क करके काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं। सो अ टीचर हैज़ टू बी वेरी इंस्पिरेशनल। नेक्स्ट, अ गुड टीचर हैज़ टू बी फॉरगिविंग एंड फियरलेस। नाउ अगर क्लास में कोई चीज़ गलत हो रही है या फिर क्लास में कुछ भी या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में कुछ भी मैनेजमेंट की तरफ से चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आ टीचर हैज़ टू बी समबडी हु इज़ फियरलेस एंड इज़ एबल टू टेक अ स्टैंड। अगर वो कुछ भी गलत हो रहा है किसी स्टूडेंट के साथ तो उसको स्टैंड लेना आना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ गलती कर दी है, उसने बाय मिस्टेक कुछ गलत कर दिया है, तो उसको एट द सेम टाइम और उसे गलती का रियलाइजेशन भी है, तो अ टीचर हैज़ टू बी फॉरगिविंग एज वेल। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो भाई पनिशमेंट दे के ही रहूँगा। सो ही हैज़ टू बी वेरी फॉरगिविंग एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ गुड टीचर हैज़ टू बी जॉयफुल। अगर आप दिन भर क्लास में बिल्कुल स्ट्रिक्ट मूड में आते हैं और स्टूडेंट्स को डांट लगाते रहते हैं तो क्लास का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा और बच्चे आपसे इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहे।
सो इन सारी क्वालिटीज से हमें पता चलता है ये कुछ एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट रादर ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो ये रिप्रेजेंट करती हैं जो एक पर्टिकुलर टीचर में होनी चाहिए। अगर इनमें से मैक्सिमम क्वालिटीज एक टीचर के अंदर होगी तो उसकी क्लासरूम का इंगेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा और बच्चों में भी वो 100% ऑप्टिमल तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर पाएगा। अब तो बात हो गई टीचिंग टीचर्स रिलेटेड क्वालिटीज़ की, अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू बिकम अ गुड स्टूडेंट। सो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू हैव अ डिज़ायर टू लर्न द सब्जेक्ट। अगर आपके अंदर डिज़ायर ही नहीं है, अगर आप उम्मीद ही नहीं करते हैं, आपके अंदर पैशन ही नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लर्न करना चाहते हैं, तो कितना भी टीचर मेहनत कर ले, कितने भी टीचर की नॉलेज अच्छी हो जाए, वो कितने भी एग्जांपल्स अच्छे दे दे, आप उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर इनकलकेट करें वो पैशन, वो डिज़ायर किसी भी सब्जेक्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर 10 के 10 सब्जेक्ट की के लिए में सेम लेवल ऑफ डिज़ायर होनी चाहिए, बट एटलीस्ट 2 or 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपकी कमांड भी हो और इसमें आपकी डिज़ायर भी हो लर्न करने की, तभी आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक स्टूडेंट की लाइफ में मैटर करता है, दैट इज एटीट्यूड। इट हैज बीन सेड दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज जब तक आपकी विलिंगनेस नहीं है, चाह नहीं है, आप चाहते ही नहीं है पढ़ना, तो आपको कोई कितनी भी मेहनत कर ले आपको कुछ भी नहीं सिखा सकते। सो इसलिए एज अ स्टूडेंट आपके अंदर बहुत अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को लर्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एकेडमिक स्किल। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बचपन से ही लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत ही अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड रहता है, एकेडमिक स्किल रहती है। इन्हें हम कहते हैं कि इनकी एकेडमिक या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इतनी अच्छी होती है कि दे आर एबल टू ग्रास्प द एकेडमिक कंसेप्ट्स वेरी नाइजली एंड वेरी इजीली। सो अगर आपके अंदर एकेडमिक स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपका इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रैप कर पाएंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी होती है गुड स्टूडेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको लगते हैं कि ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं, आपको कुछ बोलते नहीं हैं क्लास में, ये ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल उनकी परफॉर्मेंस स्कोर बहुत अच्छा होता है। और इसका रीज़न ये रहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम और वेदर इन द फॉर्म ऑफ रूटीन। सो उनका एक प्रॉपर रूटीन सिस्टमैटिक तरीके से बना होता है कि किस टाइम पे उन्हें पढ़ना है, किस टाइम पे खेलना है और किस टाइम पे चीज़ों को करना है। सो जितना ज़्यादा वो डिसिप्लिन रहते हैं उतने ही ऑर्गेनाइज वे में वो अपना सारा काम कर पाएंगे और उनकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक गुड स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सो आजकल जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी वो एमसीक्यूज क्वेश्चन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसका रीज़न है लैक ऑफ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। उनको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रादर सारी की सारी जो लर्निंग है वो रोट लर्निंग पे बेस्ड है। तो अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं है, सिर्फ चीज़ों को मगअप कर लिया है, रोट लर्निंग करी है, तो जैसे ही क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट होगा आपके परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। काफ़ी बार मुझे अपने स्टूडेंट से कॉल आती रहती है कि सर हमने तो बहुत मेहनत करी थी, हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, बहुत ज़्यादा टाइम मॉक्स भी लगाए थे, बट स्टिल हम अपने नेट के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। और उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होता है कि उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी नहीं है, बट उन्होंने सिर्फ चीज़ों को रट लिया है। तो मैं यहाँ पे अगेन इस चीज़ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो। अगर आपकी कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी है, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है परसेप्टिवनेस, चीज़ों को सही परसेप्शन से समझना। अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ और आप उसे सेम परसेप्शन से, सेम परसेप्टिवनेस से समझ पा रहे हैं इन द राइट सेंस, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप किसी और डायरेक्शन या किसी और एंगल में चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी रह जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक गुड स्टूडेंट के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलेसी। हमारे अंदर कोई भी फीलिंग ऑफ एंगर एंड जेलेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें एंगर या जेलेसी की फीलिंग आती है हमारा ध्यान भटकने लगता है और हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक हो जाती है। और द मोमेंट हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक हो जाती है, हम कंसेप्ट से पिछड़ने लगते हैं। सो हमारे अंदर कोई भी एंगर एंड जेलेसी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कोई कंपैरिजन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि एक्स स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड हम नहीं कर पा रहे। रादर हमें मोटिवेशन लेना चाहिए अपने टीचर से, अपने अच्छे स्टूडेंट से, अपने अच्छे फ्रेंड से, कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो हम भी अच्छे से मेहनत करें, हार्डवर्क करें और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हमने डिस्कस करी एक अच्छे स्टूडेंट होने की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, वो है एम ऑफ टीचिंग। पहले हमने बात कर ली कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, अब फाइनली टीचिंग का एम क्या होता है। तो इसको बहुत इजी न्यूमेरिक्स के फॉर्म में समझते हैं, टी स्क्वायर आई स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब है
टीचिंग एंड ट्रेनिंग और आई स्क्वायर का मतलब है इंस्ट्रक्शन एंड इंडॉक्ट्रिनेशन। इन चारों टर्म्स को एक बार ठीक से समझते हैं। जब भी हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो अभी हम बहुत ज़्यादा बात करके आए हैं कि द बेसिक एम इज टू ब्रिंग अ बिहेवियर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ताकि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज आए, वो चीज़ों को पॉजिटिवली लें, चीज़ों को बेटर ढंग से समझ पाएं और बेटर ढंग से एक्ट कर पाएं। तो ये तो हो गया पहला एम। सेकेंड एम है ट्रेनिंग। जब भी हम उनकी स्किल्स पे वर्क करते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ पे वर्क करते हैं, तो हमारा एम ये रहता है कि हम उन्हें ट्रेन कर सकें ताकि वो बेटर लाइफस्टाइल जी सकें, वो बेटर बिहेवियर पोर्ट्रे कर सकें। सो ट्रेनिंग अगेन एक इंपॉर्टेंट एम है टीचिंग का, कि आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अब ये ट्रेनिंग एकेडमिक फ्रंट पे भी हो सकती है, टेक्निकल फ्रंट पे हो सकती है और लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी हो सकती है, बट इसका सारा का सारा एम ये है कि उनके बिहेवियर में चेंज लाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्ट्रक्शन। हम स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट करते हैं, समझाते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ मैनर्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज, जिसका एम ये रहता है कि उनको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज करवा सके, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इम्पार्ट कर सके ताकि वो बहुत आसानी से अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग कर सके। लास्ट इंडॉक्ट्रिनेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है बट बहुत ईजी है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। जब आप किसी इंसान को किसी कंसेप्ट को समझाते हैं तो उसके बेसिस पे वो अपना बिलीफ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने अपने पुरानी वीडियो में बात करी थी कम्युनिकेशन के, कि मास मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ओपिनियंस फॉर्म करने में। जब भी आप इलेक्शन से पहले कुछ वीडियो देखते हैं या फिर कुछ डिस्कशंस देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट्स कर रही होती हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में बात कर रही होती हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा कुछ ना कुछ बिलीफ बनता है। सिमिलरली, जिस तरीके से आप स्टूडेंट को चीज़ों को इम्पार्ट करते हैं, उसके बेसिस पे लाइफ को लेकर उसका एटीट्यूड डेवलप होता है और उसके कुछ ना कुछ बिलीफ बन जाते हैं। तो ये चार कुछ बेसिक एम होते हैं टीचिंग के। लास्ट टॉपिक में बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर तीन असेंशियल एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर टीचर, कि वो कैसा टीचर है, टीचर की क्या क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि टीचर एक्चुअली स्टूडेंट को ही चीज़ें समझाता है तो स्टूडेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड इज़ योर लर्निंग एनवायरमेंट, कि आप किस एनवायरमेंट में, किस सेटअप में चीज़ों को सिखा रहे हैं, क्या सिचुएशन मॉडरेट है, क्या सिचुएशन पॉजिटिव और कंड्यूसिव है चीज़ों को सिखाने के लिए, या उसमें काफ़ी सारे डिसरप्शंस हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, डेट इज टीचर, स्टूडेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट, जिसके अराउंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस घूमता है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। अगर स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो मेंटली बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही शार्प माइंडेड है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर स्टूडेंट में एक यूनिक क्वालिटी होती है। कुछ स्टूडेंट बाय फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स की मेंटल फैकल्टीज़ बहुत अच्छी होती है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रास्प कर पाएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लर्निंग फैक्टर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। कई बार आपने अपने आसपास लोगों को बोलते सुना होगा कि एक्स राम है या श्याम है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी से चुटकियों में सीख लेता है। अब इसका रीज़न ये है कि उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जिसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ऑफकोर्स ही बात है कि वो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी और वो चीज़ों को बहुत आराम से ग्रैप कर पाएगा। सो एक तो हो गई आपकी मेंटल एबिलिटीज़ चीज़ों को समझने की, और दूसरी हो गई आपकी कैचिंग पावर, लर्निंग पावर, जो आपकी लर्निंग आउटकम को डिफाइन करेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स। अब लेट अस से कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो रेगुलरली एब्सेंट रहता है, वो रेगुलरली किसी न किसी डिजीज़ या डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है, लेट अस से मैल न्यूट्रिशन है, तो क्या आपको लगता है कि वो अपना 100% दे पाता होगा पढ़ने में? नहीं। सो ऑब्वियसली जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, उसकी हेल्थ है, उसका न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर वो रेगुलर क्लासेस मिस कर रहा है तो उसका सारा फ्लो टूट जाएगा और जो भी उसको टीचर ने समझाया है वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड किसी चीज़ की तरफ, लर्न करने की तरफ कैसा है? आर यू एक्चुअली विलिंग टू लर्न दोज थिंग्स? क्या आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ओपनली देख रहे हैं, या आप क्लोज माइंडेड हैं? क्या आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रेडी हैं? क्या आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने को रेडी हैं? सो कई बार आप स्टूडेंट को देखते हैं कि दे आर वेरी रिजिड। अगर उनका किसी चीज़ को लेकर कोई ओपिनियन हो जाता है या किसी रैदर टीचर को लेकर ओपिनियन हो जाता है कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, तो उनका एटीट्यूड ऐसा ही हो जाता है कि उस पर्टिकुलर क्लास में वो ध्यान ही देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड कैसा हो। अगर आपका एटीट्यूड ओपनली होगा, लॉयल होगा, अफेक्शनेट होगा, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। एंड सिमिलरली, अगर आपका टीचर भी ऐसा ही होगा कि इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, अगर आज क्लास में बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है तो उसने थोड़ी सी प्लेफुल
स्टोरी सुना दी या मोटिवेशनल टॉक दे दी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्लास का एटमोसफेयर प्लेफुल हो जाता है और बहुत आराम से वो चीज़ों को पढ़ा पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर से मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपके का क्लासरूम कैसा है, आपके इक्विपमेंट कैसे हैं, आपके क्लासमेट्स कैसे हैं और आप किस टाइप का टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहले सिर्फ और सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड्स को यूज़ करते थे चीज़ों को पढ़ाने में, बट आजकल हम वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक टेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा ई लर्निंग मेथड्स को यूज़ करने लगे हैं, इवन डिमॉन्स्ट्रेशन यूज़ करने लगे हैं जहाँ पे बच्चे खुद आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं, चीज़ों और एक्सपेरिमेंट्स को एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरीज में आके, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। तो जितना ज़्यादा आप इन इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की ज़्यादा डेवलप हो पाएगी। तो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं चीज़ों को प्रमोट करने में। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ टीचर्स होते हैं जो जॉइंटली भी टीचिंग लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो जॉइंट टीचिंग को प्रमोट कर रहा है और इससे बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग दो टीचर्स के बीच में भी डेवलप हो जाती है और स्टूडेंट्स को भी मौका मिल जाता है स्पेशलिस्ट से पढ़ने का। लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्वालिटी इसके बारे में बात करेंगे वो है टीचर पर्सनालिटी। मैं इतने टाइम से आपको सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ, आई वॉज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, बट जब एक क्लास में मेरी एक मैम आई, उनने मुझसे पर्सनली आके बात करी और मुझे समझाया कि बेटा मैथ्स आपको डिफिकल्ट लग रही है बट मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप धीरे धीरे दो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो भी छोटे छोटे आपको छोटे से छोटी क्वेरीज आ रही हैं वो आके मुझसे पूछेंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स में क्या होता है कि एक बार अगर वो बहुत छोटी सी क्वेरी मिस आउट कर देते हैं या उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो फिर उन्हें डर लगता है, उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो टीचर के पास जाके या फिर क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। सो अगर टीचर की पर्सनालिटी ऐसी है कि टीचर एक स्टूडेंट से, हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट करता है, उस स्टूडेंट के पास जाके उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है और फिर फाइनली उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और उसके लर्निंग आउटकम में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो ये बहुत सारी ये चीजें टीचर की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग आउटकम। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये जो सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी आज अच्छा सीखा है या आपके कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा क्लैरिटी आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम रेगुलर क्विजेस, PDFs एंड वीडियोस शेयर करते रहते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके बहुत ही कम दामों पर हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, एज वेल एज PDFs डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।